या तो रखे सारा अभिमान। इसे दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की, कर्मचारियों को लाभ देने की बात हुई, हिमाचल में बिजली फ्री कर दी गई और बहुत सारी जो है घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की और वाहवाही लूटने का प्रयास किया। कर्मचारियों की मांगे काफी अरसे से चली आ रही थी, अब घोषणा तो हुई है लेकिन अभी भी बहुत सारी जो है भ्रांतियां, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अभी खुद इस मामले में साफ तौर पे अपनी बात को नहीं रख पाए। अब इसमें बहुत सारी जो है भ्रांतियां, जो कर्मचारी प्रोबेशन पे हैं उन पे 2 साल का राइडर लगा दिया गया। अब इसमें हैरानी की बात है कि 2 साल का आपने राइडर लगाया तो क्या हासिल होगा? हिमाचल में बिजली फ्री कर देगी केवल 60 यूनिट। अब मुझे ये बताइए कि 60 यूनिट बिजली एक जिसके घर में एक बल्ब हो वो उसे ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? हिमाचल बिजली में सरप्लस है, हम सरप्लस बिजली पैदा करते हैं, तो कम से कम 100 यूनिट फ्री होनी चाहिए थी। मैंने पहले भी कहा कि जो ये चुनाव हुए और 4-0 से भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी पराजय हिमाचल में हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री जी का सुर बदल गए, 4 वर्षों में कोई संसाधन जुटाए नहीं, आप बराबर केंद्र से ऋण ले रहे हो, 65,000 करोड़ से ज़्यादा जो है हमारे ऊपर ऋण का बोझ है, और जितनी घोषणाएं आप कर रहे हो प्रदेश में जाकर, क्योंकि जहां जा रहे हो आप घोषणाएं कर रहे हो, तो बगैर बजट में प्रावधान के आप घोषणाएं कर रहे हो, ये बात लोगों की समझ में आ रही। क्योंकि अगर आप 4-0 से नहीं हारते तो ये घोषणाएं आप ना करते।